हे एवरीवन, रिपब्लिक डे पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्राई कलर पास्ता की रेसिपी। हमारे इंडियन फ्लैग के तीनों कलर्स को मेंटेन करते हुए तीन डिफरेंट फ्लेवर्स का इन्फ्यूजन किया है मेरी इस रेसिपी में मैंने। तो चलिए बिना देरी किए इसे बनाना शुरू करते हैं। पास्ता बनाने के लिए पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक सॉस पैन या कोई बर्तन में 3 से 4 कप पानी ले लेते हैं। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर पानी को बॉईल होने दें और डालें 1 से 2 टीस्पून तेल और थोड़ा नमक, और साथ में डालें मैकरोनी पास्ता जो मैंने लिया है 1 और आधा कप। मैकरोनी पास्ता को एल्बो पास्ता भी बोलते हैं। आप किसी भी टाइप के पास्ता का यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने के लिए, पर उबालने के टाइम का ध्यान ज़रूर रखिए जब भी आप पास्ता को बॉईल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है। कम ज़्यादा अगर आपका पास्ता बॉईल हो जाएगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। अगर छोटे साइज़ का पास्ता है तो 5 से 6 मिनट बॉईल करें, और बड़े साइज़ के पास्ता को 9 से 10 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पर प्रॉपरली बॉईल होने में। पास्ता के लिए नंबर 1 टिप ये है कि आप बॉईल करते वक्त तेल ज़रूर से डालें ताकि ये पकने के बाद एक दूसरे से चिपके नहीं। और दूसरी टिप ये है कि जैसे ही पास्ता पक जाता है उसे तुरंत छानकर ठंडे पानी से धो लें और ड्रेन कर लें ताकि ये अपनी गर्मी से ओवर कुक ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए जब भी आप पास्ता बॉईल कर रहे हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं पास्ता कुक हो गया है या नहीं। आप इसे चेक करने के लिए कट करके भी देख सकते हैं इस तरह। तो ये आराम से कट हो रही है, इसका मतलब है पास्ता अच्छे से पक गया है। तो इसे निकाल कर ठंडे पानी से धोकर ड्रेन करके साइड रख ले और इसे 3 बराबर भाग में अलग रख ले। तिरंगे में जो केसरी और हरा रंग है उसे बनाने के लिए मैं ऑरेंज, गाजर और पालक का यूज़ कर रही हूँ यहाँ। तो इन सब्जियों को भी एक एक कर बॉईल कर लेते हैं। तो उसी सॉस पैन में मैंने लिया है पानी, और इसमें डालेंगे कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का गाजर, और इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए हमें बॉईल कर लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद इसे ठंडे पानी में डाल लेंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। अब सेम इसी तरह से पालक के पत्ते को भी हमें ब्लांच कर लेना है। तो मैंने यहाँ लिया है 12 से 15 पालक के पत्ते जिसका डंठल मैंने अलग कर लिया है। इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबालना है हमें, या जैसे ही पत्ते हल्के डार्क या गहरे रंग के होने लगे तो इसे निकाल कर ठंडे पानी में डाल ले ताकि अपनी गर्मी से ये ज़्यादा ना पक जाए, क्योंकि हमें इसका अच्छा हरा रंग चाहिए। गाजर और पालक की प्यूरी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्सर ग्राइंडर में पीस कर रेडी कर लिया है कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले ऑरेंज पास्ता बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन को गर्म कर ले। पैन गर्म हो गया है अच्छे से तो इसमें डालेंगे रिफाइंड तेल जो मैंने लिया है 1 टीस्पून, और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखें और डालें 1/2 टीस्पून बारीक कटे हुए लहसुन, और डालें 1 टेबलस्पून चॉप्ड प्याज। इन्हें हल्का भूरा होने तक कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे कर ले। फिर डालें 2 से 3 टेबलस्पून गाजर की प्यूरी। इसे 1 से 2 मिनट पका ले, और फिर डालें 1 टीस्पून शेजवान सॉस, 1 टेबलस्पून टमेटो सॉस, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऑरिगैनो। आप ऑरिगैनो की जगह ड्राई मिक्स्ड हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर डालें स्वाद के अनुसार नमक। नमक ध्यान से डालें क्योंकि जो सॉस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें पहले से ही थोड़ा नमक होता है। तो इन सबको अच्छे से कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे कर ले, और फिर डालें बॉइल्ड पास्ता। 1/2 कप पास्ता जो हमने बॉईल किया था वो बॉईल होने के बाद उसकी क्वांटिटी डबल हो गई थी, और उबले हुए पास्ता को हमने पहले ही 3 बराबर भाग में अलग कर लिया था। उसमें से एक भाग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। पास्ता भी अच्छे से मिक्स हो गया है तो आप इसमें लास्ट में डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़। जो भी चीज़ आपके पास हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी ये ऑरेंज पास्ता रेडी हो गई है। अब चलिए बनाते हैं वाइट पास्ता। इसके लिए एक पैन गर्म कर ले, और उसमें डालें 1 टीस्पून रिफाइंड तेल, 1 टेबलस्पून बटर,
फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे कर लेना है और फिर इसमें डालना है आधा टीस्पून बारीक कटे हुए लहसुन और साथ में डालें एक टेबलस्पून बारीक कटे हुए प्याज। इन्हें हमें हल्का भूरा या हल्का सुनहरा होने तक सौटे कर लेना है। कुछ सेकेंड्स के बाद आप देख सकते हैं ये हल्का सुनहरा रंग का हो गया है। तो अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज के और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ओरिगानो, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार हल्का सा नमक, क्योंकि मेयोनीज में थोड़ा नमक रहता है पहले से ही, तो नमक हल्का ही डालेंगे। फिर डालें 1 टेबलस्पून गर्म पानी और इसे फटाफट से मिला लें। अब इसमें डालें पास्ता, उबले हुए पास्ता का जो दूसरा भाग हमने रखा था वो इसमें डाल लेना है। लास्ट में डालें 1 से 2 टेबलस्पून मोजरेला चीज़ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें और बनकर तैयार है वाइट पास्ता। अब चलिए बनाते हैं ग्रीन पास्ता। तो इसके लिए एक पैन को गर्म कर लें और इसमें डालें 1 टीस्पून रिफाइंड तेल और 1 टेबलस्पून बटर। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पे ही रखना है। फिर इसमें डालें 1/2 टीस्पून बारीक कटे हुए लहसुन और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए प्याज और इन्हें हल्का सा ब्राउन होने तक सौटे कर लें। कुछ सेकेंड्स के बाद आप देख सकते हैं प्याज हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब इसमें जो हमने पालक की प्यूरी रेडी की थी वो डाल लेंगे। तो 3 से 4 टेबलस्पून पालक की प्यूरी डालेंगे और अच्छे से इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। जब ये तेल हल्का सा छोड़ने लगे तो इसमें डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के करीब मेयोनीज। पालक के साथ इसे अच्छे से मिला लें। मेयोनीज और पालक एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें डालना है 1/4 टीस्पून ओरिगानो, 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे उबले हुए पास्ता का तीसरा भाग और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। फिर लास्ट में डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून मोजरेला चीज़ या अपनी पसंद का कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, बनकर रेडी है 3 कलर्स और फ्लेवर्स की ट्राई कलर पास्ता की ये यम्मी डिश। इसे आप एक सर्विंग प्लेट में तिरंगे झंडे के अनुसार प्लेटिंग कर लें। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें अपना रिपब्लिक डे इस ट्राई कलर पास्ता के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। थैंक यू। टेक केयर।